वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। सो जैसे कल वाले व्लॉग में हमने बताया था कि आप सबके लिए एक सरप्राइज है, सो मैं आपको बता देती हूँ वो सरप्राइज क्या है। आज से एक साल पहले हम और लखन भाई और ही मिले थे, मतलब आज हमें मिले हुए एक साल हो गया, हमारी दोस्ती को एक साल हो गया है। और इस एक साल पे कुछ स्पेशल है जो कि आपको घर जाके पता चलेगा। सो हम लोगों ने अभी शूट खत्म किया जो आपने कल वाले व्लॉग में देखा, और ये व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत जल्दी में हम लोग वापस जा रहे हैं, मैंने मुंह भी नहीं धोया। हम लोग जल्दी क्यों जा रहे हैं, इतनी भगदड़ क्यों मची हुई है, ये चीज आप लोगों को घर जाते ही क्लियर हो जाएगी। एंड कुछ लोग तो बाहुबली होते हैं ना बाबू, वो गैस एकदम कर लेंगे, एकदम गैस कर लेंगे। मैं सबसे पहले सॉरी बोलती हूँ लखन भाई को और नीतू को, क्योंकि भाई मैंने बहुत ट्राई किया था यहाँ से टाइम से निकलने का, दैट्स वाई फिर भी करते 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 बहुत लेट हो गया। आप लोगों ने व्लॉग में देखा लाइट को लेके थोड़ा पंगा था, लेकिन फाइनली हम लोग जा रहे हैं। हम पूरे डेढ़ घंटा लेट थे, फाइनली हम लोग चंडीगढ़ जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं इतनी जल्दी, क्यों है घर चाहते पता। और आने वाले 10 दिन ऐसे होने वाले हैं कि आपको पता नहीं होगा हम कहाँ सोएंगे, कहाँ होटल, क्या होने वाला है। सुपर स्पेशल होने वाले हैं पूरे वीके फैम के लिए। तो लखन भाई आई एम सो सॉरी, तो मैं आपको बता ही देती हूँ क्या सीन हो रहा है। घर पे लखन भाई और ही आ रखे, क्योंकि आज हमें एक साल हो गया, तो वो लोग हमें मिलने के लिए आए हैं और हम हो चुके इतने लेट। जब 2 घंटे रह गए थे मैंने उनको बोला आधा घंटा रह गया है, फिर उसके बाद उनका फोन आया जब 1.5 घंटा रह गया था, तो मैंने कहा भैया 1 घंटा रह गया। कह रहे झूठी, पहले तो तू बता रही थी कि। अब उन्होंने एकदम से पूछा कि कितनी देर में आ रहे हो, मैंने बोला कुछ नहीं 25, मैंने 29। सो मैं बहुत एक्साइटेड थी ऊपर जाने के लिए, और एक पागल बंदा भी नीचे मिल गया है। कैसे भैया? बढ़िया बढ़िया लोंडे, क्या है आप देखो कनेक्शन चेक करो, मजा इंटू 100 है। हॉर्न की आवाज सुनी, पैं पैं करके अभी मेरी बात तो सुनो, अभी जा गया मेरी रिएक्शन देखने के लिए, बहुत डर भी लग रहा है। ओरी मोरी मिल गया, नहीं चलो मार दिया यहाँ, तोड़ दी फाइनली हम लोग घर पे आ चुके हैं। और पता क्या हुआ, इन लोगों का तमीज नहीं है, टाइम पे कहीं आना चाहिए, आ रहे रात को 11-11 बजे, कहीं तमीज है कुछ आने की। बाबू कोतवाल कौन है, दिए कोतवाल भाई मेरे चश्मा लाए हो, कौन सा चश्मा जो रिकी भाई ने गिफ्ट किया? भाई मैं नहीं लाया, वो मैं इसलिए नहीं लाया, कल तुम जब घर आओगे तो कुछ कल का कंटेंट होगा, कल का कंटेंट नहीं था। तो हम एक दिन में 2 दिन का कंटेंट नहीं खराब कर सकते, इसलिए सिर्फ। जी हाँ क्या है? ये दोनों लगे कि दोस्तों नीतू ने एक जगह छुपने की ट्राई करी थी, लेकिन इसमें चढ़ा नहीं गया, तो ये गिर गई थी वहाँ से। जो भी केक खाएगा मुझे टेस्ट बताना, टेस्ट का क्रेडिट मेरे पे जाएगा, मेरी पसंद का केक आया। ये केक है कुत्ते वाला, वाला केक नहीं होता है। मैं इससे पहले ही कहता था कि बाबू थोड़ा बहुत पढ़ भी लेती। वाओ ये केक बहुत टेस्टी है। वन ईयर ऑफ इकट्ठेनेस, ये तो सच है कि भगवान है, है मगर फिर भी अनजान। चलो केक कट करो, चलो राजू एक बार दोबारा बोल। ओ किसी का आग वाग में तो नहीं गया भैया? ये रास्ते में ऐसे गए थे कि बुड्ढे हो हम ना, ऐसे रहे हमारी दोस्ती, और हम ना जब बुड्ढे जैसे गए आजा लखन कहा थे तो आजा क्या काटो। अभी वैसे मैं बताता हूँ, लखन भाई ना स्पेशली आए हैं, तो हमारा जो एक साल पूरा हुआ इससे मेरे से मिलने के लिए। भाई और निकल रहे हैं सुबह 5 बजे, बिकॉज इन लोगों का थोड़ा सा भी काम रह रखा था, काम बता नहीं सकते, क्योंकि सारा कुछ औखा सौखा हो जाएगा वरना। सो बहुत अच्छा लगा, कोज फाइनली मित्रता दिवस मनाया हम लोगों ने, और एक साल हम लोगों को साथ हो गया, पता नहीं लगा कब। साथ आ रहे हो ना?
यस बॉय। कितने बजे जाओगे? आज इवनिंग, इवनिंग में भाई और को ज्वाइन करने वाला हूँ। क्या चीजें प्लान कर रखी है हम लोगों ने वो आपको अभी नहीं बताई है, आपको आने वाले व्लॉग में पता लगेगा, लेकिन तूफान मचने वाला भाई। इधर रखेंगे इसको, ये देखो राजा खाएगा डोनट। राजा इधर आओ, कम मम्मा खोल के देगी आपको, दोनों खाएगा मेरा बेटा। नहीं ऐसे खा लेगा मेरा बच्चा तो, गुड बॉय है। हाँ क्या है राजा, क्या राजा डैडा का प्यार कर लो, एक कितना मिस किया डैडा ने आपको, मम्मा डैडा ने कितना मिस किया था आपको। जूता उतार दो। क्या खाएगा राजा? अभी मैं जिम करके आई और जिम में मेरा हाल पता कैसा था, ऐसे कि यार काश मुझे कोई कह दे कि फटाफट घर आ जा, काश तू होती मैं तुझको बताता। फिर आपने मुझे फोन नहीं किया, फिर मैंने आपको फोन करा, मैंने कहा बाबू मेरे दो दो सेट हो गए बस, बहुत है आज के लिए इतने। अच्छा। मैं घर आ जाती हूँ तो अभी मंदिर देख के आती हूँ कि सब लोग क्या कर रहे हैं। राजा आ जाऊ, कहाँ गया राजा? यू भी तो दब्बा राजा, कहाँ राजा? राजा क्या कर रहे हो बेटा, सफाई कर रहे हो? वाह मेरा बच्चा कितना मेहनती मेरा बाबू। क्या करने लगे बुका? मैं इनके अनबॉक्सिंग सुबह से सोच रही कर दूं, लेकिन ना एक खोल के मैं और माँ फिर हम लोग नीचे चले गए। वाओ इस पर राजा के लिए इस तो लवली, देखो माँ देखो खुशी के नाम था यार। ये तो पैन निकला है, इसके ऊपर भी लिखा हुआ है खुशी द प्याजा। गम बहुत पक्की लगाई है द लवली। दुनिया में इतना गम है, इन भाई का गम कितना कम है। ये एक बार इस बोतल को देखकर कुछ याद आ सकता है आपको, ये टेम्परेचर बताती है। ओ बाबू मेरा फेवरेट चीज बबेक लिखा हुआ है इसके ऊपर, बबेक। वाओ स्पीकर है भाई, ओ भाई कितना सुंदर। मैंने क्या कहा था, स्पीकर ते नाल ही लैंप भी मिलूगा थोनू सारे नु ते तुसी। और ये मां शुगर ड्रीम्स ने जितने भी केक्स और जितने भी छोटे छोटे से पैनकेक भेजे थे शुगर ड्रीम ने, ये मैं खोलने के लिए कल से एक्साइटेड थी मेरे लिए। वाओ वाओ इसके अंदर केक्स हैं यार, पता मेरा मन नहीं कर रहा कि इस वीक को हम छेड़े। ओके नहीं छेड़ते। कुछ याद आया होगा जी आपको इसे देख के। गाइस जिसने इसके अंदर गैस कर दिया उसे मेरी तरफ से 1200 करोड़। पर्स होगा इसके अंदर। वन एंड ओनली यूवी द चौधरी द किंग, कुछ यूवी सबसे करीब है इसके की रिंग, तो की रिंग रिंग से बनता है की रिंग। क्या इसके अंदर बबेक लिखा हुआ है। मेरी लाइफ की आधी टेंशन इसी चीज में हो जाती है, जब कहीं जाना होता है मुझे कुछ समझ नहीं आता क्या रखूं क्या पहनूं, पैकिंग करना सबसे बुरा लगता है यार मुझे। यार खुशी हम एक काम कर लेते हैं, मुझे जो लग रहा है कि अब ना मैं आपके लिए 3-4 अटैची बनवा लेता हूँ कपड़े की, उनमें अपना कपड़े लगा के परमानेंट, जैसे बीच साइड कहीं जाया करेंगे तो उस तरह के कपड़े, और अगर कहीं ग्रीनरी एरिया में उस तरह के कपड़े, क्योंकि बीच साइड। यार रुक जाओ ना पहले, मैं सच्ची में मजाक नहीं कर रही, मैं सच्ची में पूछ रही हूँ। राजा क्या कर रहे हो, पेन चला रहे हो, क्या लिख रहे हो? गाइस आज बहुत सारे काम है, हमें जहाँ जाना है वहाँ के लिए पैकिंग करनी है, मुझे हेड वॉश करवा के आना बिकॉज कल बहुत सारा स्प्रे हुआ था बालों में, उसके अलावा मुझे करवाना है एक आज शूट। तो जैसे कि आप लोगों को बताया था कि आज हम लोग करने वाला है एक शूट जो कि आप लोगों के लिए काफी स्पेशल एंड यूनिक होने वाला है, तो उसके लिए खुशी करने वाली है ड्रेसअप। दिखा देता हूँ क्या ड्रेसअप करने वाली है खुशी। खुशी खुशी क्या ड्रेसअप होने वाला है बुका? बाबू मैं ना कुछ लॉन्ग में या शॉर्ट में पहनूंगी, लेकिन लूज पहनूंगी जिसमें मैं अच्छे से ना टमी क्रिएट कर पाऊँ। ओके तो मैं ये दो ड्रेसेस निकाली है। तो ये दो ड्रेसेस खुशी ने निकाली है जिसमें कि लॉन्ग चाहिए जिससे कि हम एक टमी बना पाए अंदर कुशन वगैरह लगा के। तो व्लॉग को लास्ट तक देखो, हम ये शूट क्यों कर रहे हैं फिर आप लोगों को पता लग जाएगा बेसिकली। हे बेबी आर यू रेडी? क्या हुआ? यार मुझे नींद आ रही है, मैंने खाना खा लिया, मुझे इतनी ज्यादा नींद आ रही है, मेरा ऐसा मन कर रहा है सो जाऊं पर काम। आप तो फीलिंग भी प्रेगनेंसी वाली लेने लगी एकदम जैसे प्रेगनेंसी वाली। कसम से कोई नई चीज लेते ना इतना सामान सिस्टमैटिक रखते, देखो मेरी किट कितनी प्यारी। तो मैंने पहले भी बोला था आपको कि अभी रख मेरे साथ नहीं है, वो मेरे साथ है। भाई फाउंडेशन भी डिब्बे में जा रही है, इतने पैसे में मैं घर चलाती थी अपना। ये बात रह रही थी कई बार से मम्मी, माँ ने मुझे चौथी बार बोल दी। लेकिन मेरी माँ ने बहुत स्ट्रगल करा लाइफ में, यही तो होता फायदा। जब तक मैं हूँ ना किसी को स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, बबजीत को भी इंक्लूड करके सबको बोल रहा हूँ मेरे होते बस किसी को। मैंने आपको उस दिन क्या बोला था, आपके 5 मिनट जाते घर का मैनेजमेंट खराब हो जाता है उस दिन, गुस्सा आ रहा है
वीडियो को भी लेके जैसे आप आए कितने खुश हो गए। उम्र दराज आदमी का ये होता है। तो इस बार मैं एक नई चीज सीख के आई थी ऐसे कर्ल बनाना, तो मैंने सोचा मैं एक बार कुछ नया हेयर स्टाइल करती हूँ। सो पोस्टर के लिए मैंने कुछ ना घर वाली लुक देनी थी, मतलब थोड़ी मैरिड लुक टाइप, मतलब मैरिड तो मैं हूँ, प्रॉपर वैसी लुक देनी थी, तो इसलिए मैंने ये ओपन हेयर रखी है, यहाँ पे हल्की सी ब्रिड की है। कहाँ जा रहे हो आप? दुम्मी, ये ना झूठा इतना है ऐसे दुम्मी। हम दुम्मी नहीं करने जा रहे, हम बना रहे हैं रील, मैं और माँ। सो ये बंदा पैदा हो गया है, लेकिन इसके पैदा होने की तैयारी अभी चली रही है। खुशू ये तो सको स्क्योर वाला मैं राउंड करी थी, थोड़ा ना इसको पहले बांधना पड़ेगा। नहीं छोटा पिलो लगा लेते हैं ना गाड़ी में। नहीं मैं दे रही कोई छोटा, ये काम करते हैं। हाँ यही मम्मी यही लगेगा, देखो ऐसे करके। तो मैं हो चुका हूँ, जैसे मैं हैप्पी भाई की शादी में रेडी था, क्योंकि ये इसी तरह का जाना था कुछ शूट, तो अभी मैं रेडी हूँ। रिंकल आ गए लेकिन शर्ट पे। फेक टमी बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है? हम इसमें सेफ्टी पिन लगा रहे हैं, कि अगर इसमें सेफ्टी पिन लग जाता है तो ईजी हो जाएगा हमारे लिए। छोटा बेबी राजा, देखो छोटा बेबी राजा, थोड़ा पोस्टर में हम लोग लेट हो गए, नहीं तो तेरे लिए बनाया था ये। आप हो ये, चलो चलो माँ चल रहे हैं। बाबू की तैयारी हो चुकी है दोस्तों, बस आप धीरे धीरे चलना ना, ऐसे ऐसे है ना, ज्यादा तेज मत चलिए। ठीक है, क्या करना ना? मैं कहा पिल्लो बहुत अजीब सा है, कभी यहाँ से रूम दब जा रहा है, कभी वहाँ से दब जा रहा है, वैसे इसको ऊपर रखेंगे तो ज्यादा हाई टाइप होगा। चल मैं आपके आपके फोटो खींचती, चलो उधर चलो चलो। ओ बेटे गिर गए, कोई बात नहीं, चोट नहीं लगी। ना 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 लो, ऐसे करो ऐसे ऐसे बस। तो यहाँ पे चल रहा है बाप और बेटी का शूट। सो एक गुड न्यूज़ है दीदी, और के लिए देते हैं दीदी गुड न्यूज़ फॉर यू। लग गया हाँ, ऑल सेट लाइट आ चुकी है अपने। ये विवेक मेरी लाइफ के बड़ी मुश्किलों में एक मुश्किल पता क्या है? गाना सिलेक्ट करना। अब मुझे समझ में नहीं आना, मैंने रील सेलेक्ट कर ली लेकिन उस पर गाना कौन सा लगाऊं, और वो रील वो है जो आपने मेरी देख ली होगी कल शाम, मैंने येलो आउटफिट पहना है। ये है लिटरली मेरे रूम का हाल, आप देख सकते हो, मेरी कबर्ड का हाल आप देख सकते हो। जब मुझे कहीं जाना होता है मुझे कुछ समझ नहीं आता क्या लेके जाऊं क्या छोड़ के जाऊं, पापा मेरी मजाक ले रहे थे। और एक चीज मैं आपको दिखाती हूं, ओह ये सोनी बहू किसकी, रज वहां जाओ वहां, क्या पहना आपने? स्कर्ट कपड़े राजा, वाह सो क्यूट। हाँ भाई स्कर्ट सुंदर लगी। कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? स्कूल लड़की। बाय राजा, बाय, नमस्ते। ये स्कूल से आ गई मालक जी, तो जिस शहर में रहने की हम लोग सपने देखा करते थे उस शहर में भगवान की दुआ से भैया की दुआ से हमारे पास आज सब कुछ है, एंड जहां मोमोरी बोलते हैं वहां पे भी, एंड जहां मैं चाहता था वहां पे भी। तो हम आज अपने फ्लैट को देखना है अगेन, बिकॉज आज कुछ स्पेशल हुआ है यहाँ पे, क्या हुआ है आप लोग देखेंगे। सो फाइनली आज हम लोग आए हैं मेन, एंड आज हमारे फ्लैट के ऊपर जो मीटर था वो अप्लाई हो गया था, तो मीटर लग चुका है। सो पहली बार ऐसा होगा कि आप लोग नाइट में और हम लोग ऐसी वाइब देखेंगे। सो 3, 2, 1 स्टार्ट। वाह फाइनली हो गया। सो ये है हमारा आशियाना मेरा, साथ तेरे सारी बात है, आज ही पता लगा लोगे तो फिर मजा किस चीज का है, लेकिन अभी दीदी को थोड़ा टाइम देते हैं, अदरवाइज दीदी के साथ अगर हम लोग रहे तो दीदी अच्छी तरह स्टडी नहीं कर पाएगी, रोला बहुत डालते हैं। सो हम लोगों ने देख लिया, आप लोगों ने भी देख लिया फ्लैट का काम हो चुका है डन, तो हम अपने जा रहे हैं घर पे।